नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे तरह से हैं, खुशी हैं? ओके ओके, न्यूज़ यहाँ पर आ रहा था जैसे स्कूल खुलने जा रहा है, पता नहीं खुलेगा कि नहीं, है ना? चलिए वेट करते हैं। ओके, आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, नॉट सिक्स्थ लेसन। हम इस क्लास में आज व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, ग्रामर। ओके, ग्रामर। ग्रामर में हम वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। वाच्य का मतलब है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। और ये वॉइस ग्रामर आपके किताब में संत मदर टेरेसा थर्ड लेसन में है। ठीक है, ये वॉइस ग्रामर व्याकरण वाच्य आपके किताब में तीसरे लेसन में संत मदर टेरेसा नाम का ये लेसन है, उसमें पेज नंबर 19 में है। कौन सा पेज नंबर? 19। पेज नंबर क्या है? 19। चले देखें क्या व्याकरण, ग्रामर। डोंट गो आउट ऑफ द क्लास। ओके, ग्रामर इज समवॉट इंटरेस्टिंग क्लास इफ यू लिसन इंटरेस्टिंगली। ठीक है, और ग्रामर को जानना बहुत जरूरी है। ओके, आप बड़े बड़े क्लासेस में अगर जाएंगे तो आपको ग्रामर पार्ट बहुत मिलेगा, बहुत लिखने के लिए होंगे उसमें से। ठीक है बच्चों, ग्रामर जान लीजिए। डोंट फील डिफिकल्ट टू लर्न ग्रामर। ओके, ग्रामर इज समवॉट इंटरेस्टिंग, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, यू आर जस्ट डोंट थिंक दैट दिस इज इन हिंदी, वी कांट लिसन, वी कांट अंडरस्टैंड। डोंट बी सो से। ओके, लिसन केयरफुली, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, चलें क्या व्याकरण पढ़ने चलें, वॉइस। ठीक है, चलते हैं। चलिए व्याकरण वाच्य वॉइस। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये इंग्लिश में भी पढ़ा है, हिंदी में भी हमने पढ़ा हुआ है, शायद से मुझे याद है हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है, चलते हैं। चलो ओके, वाच्य का अर्थ, वाच्य के भेद, अर्थ मीनिंग भेद टाइप्स। पहले हम वाच्य का अर्थ पढ़ेंगे, फिर वाच्य के टाइप्स भेद पढ़ेंगे। ठीक है ओके, वाच्य का अर्थ। वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। वॉइस, वॉइस से यह पता चलता है, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द वॉइस दैट द क्रिया, कि वाक्य में इन दैट सेंटेंस कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। आपने नोटबुक खोल के रखा हुआ है क्या? बहुत अच्छे बच्चों, आज का तारीख लगाना मत भूलना, फ्रेश पेज में लिखिए, नोट्स लिख लीजिए। कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट, और भाव फील, भाव मीन्स फील, हैप्पीनेस सैडनेस, ओके लाइक दैट फील, में से किसकी प्रधानता है। प्रधानता मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिवन टू व्हाट, सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट और फॉर द फील। ओके, द डेफिनेशन फॉर द वाच्य इज, व्हाइल रीडिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गिवन टू विच थिंग, गिवन टू कर्ता सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट और फॉर द फील। कर्ता सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, एनी नाउन, इजंट इट? ओके, चले समझ में आ गया कि आपको? बहुत अच्छा। और वाच्य की परिभाषा, दिस इज द डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन ऑफ द वाच्य। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं। वाच्य इज सेट टू द क्रिया, क्रिया इज अ वर्ब। ओके, द वर्ब, द वाच्य इज सेट टू द वर्ब विच शोज द डिफरेंस, जिससे कर्ता सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट और भाव फील के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दीज थ्री थिंग्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड फील, क्रिया के परिवर्तन ज्ञान होते हैं। द चेंजेस इन द क्रिया वी कैन सी, द चेंजेस इन द क्रिया। ओके, while I'll teach the example, you can understand this. Okay,
वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं वाच्य इज सेड टू बी द वर्ब एक्शन वर्ड्स विच चेंजेस अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट कर्ता कर्म ऑब्जेक्ट और भाव फील. कैन यू अंडरस्टैंड? कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, भाव इज अ फील. ठीक है बच्चों? और उदाहरण एग्जाम्पल देखे, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. रमा पुस्तक पढ़ती है. रमा रमा रीड्स द बुक. रमा रीड्स द बुक. रमा इज अ सब्जेक्ट हियर. अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग हियर? रमा के बारे में, है ना? रमा के बारे में हम बातें कर रहे हैं. रमा क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है. और यहाँ पर क्रिया कौन सा है? विच इज द वर्ब हियर? पढ़ती है. वर्ब इज द पढ़ती है. पढ़ती मीन्स रीड. रमा पुस्तक पढ़ती है. रमा रीड्स द बुक. रमा इज द सब्जेक्ट कर्ता, पुस्तक इज द ऑब्जेक्ट कर्म, पढ़ती इज अ क्रिया. ओके, पढ़ती इज अ क्रिया वर्ब. सो व्हाट फॉर्म इज दिस? यस यस ओ यस ओ वी एस ओ वी इज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एस ओ वी पैटर्न. ओके, इस वाक्य में, इन दिस सेंटेंस, रमा करता है. रमा इज द सब्जेक्ट और उसके अनुसार क्रिया है पढ़ती. सी, रमा इज द नेम ऑफ द गर्ल. रमा इज द नेम ऑफ द गर्ल. अकॉर्डिंग टू द गर्ल रमा, द क्रिया हैज बीन चेंज. वी कैन से पढ़ता पढ़ते ऑल्सो. द क्रिया इज नाउ पढ़ती बिकॉज शी इज अ गर्ल. Whenever the girl is, the kriya will change into ti ki matra. Padhti hai, likhti hai, soti hai, peeti hai, nachti hai. Can you understand? Okay, very good. See, according to the kriya, as I said here, vachya kriya ke us rupantar ko kehte hain, jisse karta, karma aur bhav ke anusar kriya ke parivartan gyat hote hain. Parivartan means changes. The where the changes in the kriya helps, that is the vachya. See, padhti hai. Now Rama, because she is Rama, padhti hai. Ti ki matra usme aage hai, theek hai? So padhti hai. Samajh mein aa raha hai bachcho aapko? Bahut acha, bahut acha. Rama kya hai? Karta. Very good. Pustak kya hai yahan par? Object. Don't say in English. Say in Hindi. कर्म. पुस्तक क्या है यहाँ पर? कर्म. वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा. पढ़ती है क्या है? पढ़ती क्रिया. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. आप समझ गए इस स्लाइड को. दूसरे स्लाइड में चलें, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. देखिए सेकंड एग्जांपल, पुस्तक पढ़ी जाती है. पुस्तक पढ़ी जाती है. पुस्तक इज द, विच इज द मेन ऑब्जेक्ट हियर? Which is the main thing here? Rama. About Rama we are speaking, isn't it? So Rama is a karta. So यहाँ पर कर्ता को प्रधानता दिया हुआ है. The importance is given to the karta here. See in the second example, पुस्तक पढ़ी जाती है. Book is read. Book is being read. Book is being read. So here given importance to which thing? पुस्तक क्या है यहाँ पर? सॉरी, पुस्तक क्या है? कर्म ऑब्जेक्ट. पढ़ी क्रिया. जाती है, जाती है इज नॉट, पढ़ी इज अ क्रिया. पढ़ी जाती है क्रिया. ओके, सो इंपॉर्टेंस इज गिवन हियर इज द पुस्तक. सो पढ़ी जाती है. पढ़ी इज अ फील. वी कैन, पुस्तक को पढ़ा जाता है. बुक इज बीइंग रेड. रेड बाय समवन. ओके, सी दूसरे वाक्य में कर्म पुस्तक के अनुसार है, क्रिया पढ़ी जाती है. अकॉर्डिंग टू दिस पुस्तक, द क्रिया हैज बीन चेंज्ड हियर, पढ़ी जाती है. फॉर रमा पढ़ती है, फॉर पुस्तक पढ़ी जाती है. ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ओके, यहाँ पर पुस्तक क्या है अभी? कर्म. पढ़ी क्या है? क्रिया. ठीक है, ओके. See the third example. Mohan से पढ़ा नहीं जाता है. Mohan is not able to read.
मोहन इज नॉट एबल टू रीड, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, मोहन वॉज नॉट एबल टू रीड। सो अंतिम वाक्य में पढ़ा नहीं जाता है, सी यहाँ पर पढ़ा, सी पढ़ती, रमा के लिए हमने पढ़ती देखा था और पुस्तक के लिए पढ़ी देखा था, और यहाँ पर देखिए मोहन के लिए पढ़ा नहीं जाता। ओके, पढ़ा नहीं जाता से यह न पढ़ने का भाव स्पष्ट होता है। सो द बुक इज नॉट बी एबल टू रीड बाय मोहन, मोहन इज नॉट एबल टू रीड द बुक। सो नाउ दिस रीडिंग इज नॉट नॉट, सो इट सेज दैट मोहन इज नॉट इंटरेस्टेड टू रीड द बुक, इजंट इट, नहीं जाती है। सो दिस इज अ फील, फील ऑफ अ मोहन, मोहन मोहन फील्स दैट आई एम नॉट एबल टू रीड द बुक, मोहन इज पढ़ा नहीं जाता है, मोहन से पढ़ा नहीं। सो दिस इज द फील ऑफ द मोहन, ओके, मोहन से क्या नहीं हो रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है ना। सो मोहन फील्स दैट ही इज नॉट एबल टू रीड, सो दिस इज द फील ऑफ द मोहन। सो हियर द क्रिया हैज बीन चेंज्ड, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा क्रिया अभी किसके अनुसार बदल जाता है, अतः यहाँ क्रिया भाव के अनुसार है, सो फील के अनुसार यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता है। क्रिया का चेंजेस देख लिया बच्चों आपने, कैसा चेंज हो रहा है। पहले रमा के लिए क्रिया कैसा था, पढ़ती है, सब्जेक्ट के लिए पढ़ती है, देन ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ी है, देन मोहन यहाँ पर फील के लिए पढ़ा है। So the changes of the kriya, the changes held in the kriya according to the subject, object and the feel is said to be as a vachya, okay, is said to be as a voice. The changes in the kriya, the changes in the kriya in subject, object and feel is called a voice, is called a kya hai, वॉइस। बहुत अच्छा बच्चों आपने ये सब जान लिया, अभी थ्री एग्जाम्पल्स मैंने कहा था आपको, है ना। फिर से एक बार एग्जाम्पल देखें क्या, ओके ओके ठीक है, बोर नहीं होना का, बोर नहीं होना, चलो ओके चलें नेक्स्ट। वाच्य के भेद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाच्य आर देर, ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस आर देर। वाच्य के तीन भेद होते हैं, इन हिंदी वॉइस हैव थ्री टाइप्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अ वॉइस, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ओके, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से तीन भेद हैं यहाँ पर वाच्य के, कौन कौन से तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस इन इंग्लिश, कर्मवाच्य को हम कहते हैं पैसिव वॉइस इन इंग्लिश, दिस इज नॉट इन इंग्लिश, भाववाच्य, फील ऑफ द वाच्य, ओके। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, भाववाच्य फील वॉइस, okay, we can say as a feel voice, we can have one new name, okay, we can have one new name for the in English for bhavvachya, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको। कितने प्रकार के भेद हैं, तीन प्रकार के, कौन कौन से हैं, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस और भाववाच्य फील वॉइस, ठीक है, तीन प्रकार के वाच्य हैं। और चलें आगे, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इन द सेंटेंस वेयर द क्रिया एक्ट्स टू द कर्ता, एक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द कर्तृवाच्य, ठीक है, ओके, क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ओके, समझ में आ रहा है क्या बच्चों।
इसे फिर से मैं देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मीट करते हैं, ठीक है? सेकेंड पार्ट में हम मीट करेंगे, इसका कंटिन्यूएशन करेंगे।